हेलो यूट्यूबर्स, अगर आपको भी नए नए लोगों से दोस्ती करना अच्छा लगता है, नए नए लोगों से बातें करने में मज़ा आता है, तो ये वाला वीडियो आपके लिए है। वैसे इस टॉपिक पे बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी बन चुके हैं यूट्यूब पर मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि ये वाला वीडियो उनमें सबसे अलग होगा। इस वीडियो में हम आपको ब्रीफ में समझाएंगे कैसे बात को स्टार्ट करें किसी स्ट्रेंजर के साथ, क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए, किन चीज़ों का ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए और किन चीज़ों पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, क्या फ़ायदे हैं किसी स्ट्रेंजर पर्सन से बात करने के, क्या नुकसान है किसी स्ट्रेंजर पर्सन से बात करने के लिए। तो वीडियो को पूरा देखें। मौत के बाद हमारी लाइफ का जो सबसे बड़ा डर होता है वो होता है अनजान लोगों के सामने बोलने का डर। इस वीडियो से हम ये कोशिश करेंगे कि इस डर को आपके मन से हम निकाल दें। जब भी आप किसी से बात स्टार्ट करें तो ये 3V फॉर्मूला याद रखना। पहला वी फॉर विजुअल, दूसरा वी फॉर वोकल एंड तीसरा वी फॉर वर्बल। विजुअल में आपका गेस्चर, पोस्चर और आउटर अपीयरेंस आता है, मतलब आप कैसे दिखते हो। मतलब आप किसी से भी बात करें तो आपका 55% डिपेंड करता है सिर्फ विजुअल पे, आप कैसे दिखते हो। सेकंड चीज़ वोकल, मतलब आपकी वॉइस कैसी है, आपकी बोलने का तहजीब यानी टोन कैसी है। और थर्ड चीज़ है आप क्या बोलते हो यानी आपके वर्ड्स। पूरी कन्वर्जेशन में आप किसी से बात करते हो तो 55% होता आपकी विजुअल एंड 38% डिपेंड करता आपकी वोकल, ओनली 7% आपके डिपेंड करता है सिर्फ वर्बल पे। तो हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए अच्छे दिखने में, अपना गेस्चर अच्छा करने में, अपना पोस्चर अच्छा करने में। तो हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए अपने आप को इम्प्रूव करने में। स्मार्ट बनाओ अपने आप को थोड़ा सा मेरे जैसे। चल झूठा। एंड सेकंड थिंग, डोंट अंडरएस्टिमेट योरसेल्फ। कई बार हम किसी बंदे या बंदी से बात करने के लिए तैयार तो हो जाते हैं, पर हम सोचते हैं यार वो बंदा बहुत स्मार्ट है, हम इतने अच्छे दिखने में भी नहीं, इतने हम स्मार्ट भी नहीं, उस बंदे में बहुत सारा एटीट्यूड होगा, तो इस कारण हम बात नहीं कर पाते उनसे। हम अपने आप को अंडरएस्टिमेट करते हैं। सामने वाले को प्रिजिस नहीं करना चाहिए कि यार उसमें बहुत एटीट्यूड होगा, ये चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। और जब भी आप स्ट्रेंजर पर्सन से बात करने जाओ तो कभी दिमाग में गलत इंटेंशन मत रखना, अपने ईगो को साइड रखकर बात करना किसी भी स्ट्रेंजर पर्सन से। आप सोचोगे यार स्ट्रेंजर पर्सन से बात करके मुझे क्या फ़ायदा होगा, तो मैं आपको बता दूँ स्ट्रेंजर लोगों से बात करने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। फ़ायदा नंबर एक, जब भी आप किसी स्ट्रेंजर पर्सन से बात करेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेगी, जिससे आप अपना स्टेज फियर भी दूर कर सकते हैं। जब भी आप किसी स्ट्रेंजर पर्सन से बात करेंगे तो आप उनसे कुछ सीखेंगे और वो लोग आपसे कुछ सीखेंगे। स्ट्रेंजर लोगों से बात कर आप अच्छे नए दोस्त का नेटवर्क बना सकते हैं। और किसी ने खूब कहा है, यू आर नेटवर्क इस यू आर नेटवर्थ। चलो ये सब हो गए इसके फ़ायदे, अब बात करते हैं इसके नुकसान की। जब आप किसी स्ट्रेंजर पर्सन से बात करोगे तो कुछ लोग आपको अच्छे मिलेंगे और कुछ लोग आपको बुरे भी मिलेंगे, तो आपको क्या करना है, उन बुरे लोगों से दूर ही रहना है। क्योंकि शुरुआत में हमें पता नहीं चलता कि यार वो लोग अच्छे हैं कि नहीं, तो आपको क्या करना है, उन बुरे लोगों से दूर रहना है, उनकी संगति से आपको दूर रहना है। तो अब आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पे कि अपनी बात को स्ट्रेंजर पर्सन के सामने स्टार्ट कैसे करें, अपनी कन्वर्जेशन कैसे स्टार्ट करें किसी अननोन पर्सन के सामने। जब भी हम किसी स्ट्रेंजर पर्सन से बात करने के लिए उनके पास जाते हैं तो हम क्या करते हैं, 15 से 20 मिनट हम सोचते हैं कि अब बात स्टार्ट करूँगा, और उसमें हम कम से कम 15 से 20 मिनट चले जाते हैं और सामने वाला पर्सन सोचता है कि यार क्या है ये। तो इससे अच्छा हो कि जैसे आप उनके पास जाए तो 1 या 2 मिनट में अपनी बात को स्टार्ट कर दीजिए। तो अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सी बातों से स्टार्ट करें, तो आपको मैं एक एग्जांपल के रूप में बताता हूँ या आपको समझाता हूँ। अपने आसपास की जगह को ऑब्जर्व करें और सोचिए कि यार इससे मैं सामने वाले से कैसे बात कर सकता हूँ। एग्जांपल, अगर आप कॉलेज में हो तो आप पूछ सकते हो आप कौन सी ईयर में, यार कौन सी ईयर में हो दोस्त, ये से स्टार्ट कर सकते हैं। फिर अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। सपोज़ करो आप गार्डन में, तो आप उनसे पूछ सकते हो कि आप रोज़ गार्डन में आते हो, और फिर अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे तो सामने वाला भी अपने आप को इंट्रोड्यूस ज़रूर करेगा, तो उसी से अपनी बात को आगे बढ़ाएं। जैसे ही सामने वाला अपने आप को इंट्रोड्यूस करे, सपोज़ करे बोले मेरा नाम ये है और मैं यहाँ से हूँ, मतलब मैं वो बोलता है कि अगर मैं जयपुर से हूँ तो आप पूछे जयपुर में सबसे अच्छी जगह कहाँ है, या ऐसी चीज़ों से कनेक्ट करिए, उसी के बारे में बात कीजिए,
उन्हीं के बारे में बात कीजिए जिनमें उनका इंटरेस्ट है सामने वाले का, तो उन बातों को अपने आप से कनेक्ट करें और हो सके तो जितनी बात आप उन्हें विजुअल कराएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बातें करते वक्त अपने चेहरे पर एक जेन्युइन स्माइल रखें और कोशिश करें कि सामने वाला व्यक्ति ज़्यादा बोले बजाय आपके, आप कम बोले और सामने वाला व्यक्ति ज़्यादा बोले। ओपन एंडेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछें, कभी भी क्लोज क्वेश्चन ना पूछें या ऐसे क्वेश्चन ना पूछें जिनका आंसर वन वर्ड में हो। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछें। कॉलेज में कौन कौन सी बातें सबसे अच्छी लगी, एग्जाम्पल के तौर पे कॉलेज कैसा लगा, और सामने वाले व्यक्ति से बात करते वक्त मिररिंग टेक्निक का यूज़ करें। मिररिंग टेक्निक क्या होती है आप समझिए, अगर आप सामने वाले व्यक्ति को एक तरीके से कॉपी कर रहे हैं, कॉपी भी इन अ गुड सेंस, मतलब ऐसा नहीं कि सामने वाला गर्दन पे खुजली कर रहा है तो आप भी गर्दन पे खुजली करें, आपकी वॉइस उनकी वॉइस से मैच करनी चाहिए। वॉइस स्लो है तो आपकी वॉइस स्लो होनी चाहिए, अगर उनकी वॉइस हाई है तो आपकी वॉइस भी बराबर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए जितने सामने वाले की वॉइस की टोन है। मिररिंग टेक्निक का यूज़ करते वक्त सामने वाले व्यक्ति को ये नहीं पता चलना चाहिए कि आप उसे कॉपी कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो आज का वीडियो इसी के साथ ख़त्म होता है। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो पर कमेंट कीजिए। 28 मई 31 मई की डेट को याद कर लीजिए कि बहुत ही अच्छे वीडियो आने वाले हैं। हमारे इस YouTube चैनल SSR Sunshine and Rise को सब्सक्राइब करें। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर।